अगर अपनी मॉर्निंग एंड इवनिंग की टी कॉफी एंजॉय करने के लिए आपको इतना ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा हो अपने फ्लैट से, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु में। मुझे तो आप जानती हैं, आई एम योर होस्ट तरन्नुम। सो गाइज, आज जो फ्लैट मैं आपको दिखाने वाली हूँ उससे आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलने वाला है गाइज। मतलब अपनी बालकनी से आप ऑलमोस्ट पूरा मोहाली देख सकते हैं, ऐसा व्यू आपको अपनी बालकनी से मिलने वाला है। तो क्या बोलते हो, शुरू कीजिए वीडियो। तो आइए दिखाती हूँ आपको आज का हमारा फ्लैट गाइज। इसका लेआउट आपको इतना पसंद आने वाला है ना, आई एम श्योर हर चीज के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है इस फ्लैट के अंदर। आइए आपको दिखाती हूँ। अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं एंड दो लिफ्ट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। फैमिलीज कुछ ऑलरेडी यहाँ पे रिजाइडिंग भी हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। तो यहाँ आ जाएगा हमारा सैंपल अपार्टमेंट जो आज मैं आपको दिखाऊंगी इन द साइज ऑफ 2000 स्क्वायर फिट, जिसमें आपको साथ में सर्वेंट रूम भी मिल रहा है जिसकी एंट्री आपकी यहाँ से रहेगी। सो यहाँ से रहेगी सर्वेंट एंट्री। मैं आपको किचन से दिखाऊंगी क्योंकि इसमें से आपके जो सर्वेंट हैं वो डायरेक्टली आपके किचन को कनेक्ट कर सकते हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि वो मेन एंट्री से जाके आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करें, यहाँ से सीधा वो जा सकते हैं। तो मैं वहाँ से आपको ये दिखाऊंगी। तो ये रहेगा हमारा मेन डोर। सो गाइज वेलकम टू आवर नेस्ट, आइए। सो गाइज ये है आज का हमारा घर जिसका लेआउट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, जिसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्राइंग एरिया। सो गाइज ये रहेगा आपका ड्राइंग एरिया। अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ 10x12 इसका साइज रहने वाला है। मुझे काफ़ी पसंद आया है ड्राइंग एरिया। मतलब आपके घर का एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आपको पता है कि ये मेरा ड्राइंग एरिया है, यहाँ पे मुझे पूरा सेटअप करना है, यहाँ पे और कुछ नहीं है आपका। इसके साथ में बालकनी अटैच आ जाएगी, आप जिस तरीके से चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। सिटिंग आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखी है, तो काफ़ी अच्छा अरेंज हो सकता है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं। एक वॉल पे चाहे यहाँ पे चाहे वहाँ पे आप अपना LED भी प्लेस कर सकते हैं। ऊपर अपना फॉल सीलिंग देख रहे हैं आप, तो इसमें ये जो लाइटिंग बीच में देख रहे हैं ये आपको नहीं मिलने वाली है, बट ये जो आपका डाउन सीलिंग रहेगा ऊपर ये सारा आपका एज इट इज रहने वाला है। जैसे आपने एंट्री में यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे फॉल सीलिंग में पूरा वुडन वर्क कर रखा है, तो आप भी कुछ इस तरीके का अपने अपार्टमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको विद परचेज नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये सैंपल अपार्टमेंट है, तो ये डेकोरेशन का पार्ट है ओनली। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं कि ड्राइंग एरिया में आपका जो फ्रंट का एरिया है उसमें इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे चेस्टर रखा हुआ है विद मिरर, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, एक घर वाली वाइब दे रहा है, तो आप भी कुछ ऐसा अपने अपार्टमेंट में कर सकते हैं। इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी बालकनी अटैच रहेगी, तो वही बालकनी आपके सेकेंड बेडरूम एंड आपके थर्ड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगी, तो वो मैं आपको वहाँ से चेकआउट कराऊंगी। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ब्यूटीफुल व्यू मिलने वाला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, अभी मैं आपको पूरा चेकआउट कराऊंगी। सो उसके बाद बता दूंगी ये जो आपका ड्रॉइंग एरिया है इसमें आपका जो फ्लोरिंग रहेगा ये कंप्लीट वुडन का रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये सारा वुडन का फ्लोरिंग आपका रहने वाला है। सो ये था हमारा ड्रॉइंग एरिया। अब चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। आइए, सो यहाँ से आगे आके देन यहाँ पे आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया। बिल्कुल सेपरेट स्पेस रहेगा जहां पे आप अपना डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हो, उसी के साथ में बिल्कुल आपका किचन आ जाएगा, वहां पे आप अपना गरम गरम खाना बना सकते हैं, यहाँ पे बैठ के अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। तो अगर मैं इसके साइज की बात करूँ, सो इसका साइज रहेगा आपका 6x8 का। आप देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने ना आपका 6 सीटर डाइनिंग टेबल इंस्टॉल करके रखा है। आप चाहेंगे थोड़ा और चेयर्स ऐड करना तो वो भी, मतलब दो चेयर आप और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, अगर आपका फैमिली थोड़ा सा बड़ा है या फिर कोई भी गेस्ट आपके घर में आ जाए। यहाँ पे भी आप अपना डाउन सीलिंग देख सकते हैं, ये सारा आपको एज इट इज मिलने वाला है।
इसके साथ भी आपकी बालकनी अटैच रहेगी, जो आपके घर की फ्रंट बालकनी होगी, जो आपकी लास्ट बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है, तो वहां से आपको दिखाऊंगी मैं। एंड देन इसी के साथ एडजॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा किचन इन द साइज ऑफ 6x9। तो स्टार्टिंग में ही स्पेस आ जाएगा पहले तो आपके रेफ्रिजरेटर के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरा कुकिंग काउंटर, जिसमें आपको चिमनी एंड आरओ गाइस विद द परचेज मिलेगा जब भी आप ये फ्लैट परचेज करेंगे। यहाँ पे आप अपना हॉब प्लेस कर सकते हैं। देन आपके सारे कैबिनेट्स आ जाएंगे। आपको कैबिनेट्स की अगर बात करेंगे तो काफी अच्छा स्पेस है कैबिनेट्स के अंदर, अगर आप देखें तो इस साइड भी देख सकते हैं जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। लो कैबिनेट्स की बात करेंगे तो ये आपके विद सॉफ्ट क्लोजर आ जाएंगे। डिफरेंट साइज के कैबिनेट्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, छोटा सामान रखना चाहें वो रख सकते हैं, बड़ा रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा स्पेस, जैसे आप देख सकते हैं अपना ओवन माइक्रोवेव वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्यूल सिंक, जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह वॉश कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो अपने यहाँ पे कैबिनेट्स बनवा सकते हैं यूटेंसिल्स वगैरह रखने के लिए, आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। एंड यहीं पे आपका आरओ भी आ जाएगा एंड आपके गीजर के लिए भी प्रोविजन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ कनेक्टेड यहाँ पे आपकी विंडो आ जाएगी फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन। कभी भी आप बर्तन धो रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप इसको ओपन कर सकते हैं, तड़का वगैरह लगा रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सीधा यहाँ से बाहर चला जाएगा। सो ये था हमारा डाइनिंग एंड आर किचन। अब चलते हैं रूम्स की तरफ। गाइज आपने देखा जैसे ही आपने एंटर किया आपका ड्रॉइंग एरिया आ गया, देन आगे आया आप डाइनिंग एंड किचन। अब आपके रूम्स हैं बिल्कुल अलग पैसेज में, तो घर का लेआउट बहुत पसंद आया मुझे। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट बेडरूम। आइए रूम के साइज की बात करूंगी तो 10x12 इसका साइज है। प्रॉपर अगर स्पेस की बात कर लेंगे तो आप देखेंगे सेंटर में बेड है आपका, देन साइड टेबल्स हैं, उसके बाद भी मेरे पास मूव करने के लिए काफी अच्छा स्पेस बच रहा है कि आप अपनी बालकनी में आराम से जा पाएं। उस साइड स्पेस गाइस आपको मिल जाता है अगर आप अपने कबर्ड्स वगैरह बनवाना चाहते हो तो वहां पे स्पेस है, आप बनवा सकते हो अपने रूम में। काइंड ऑफ आप इसको अपने किड्स बेडरूम बना सकते हो। सामने वाली वॉल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छा पैनलिंग करवा रखा है, अगर आप चाहेंगे कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बिल्कुल प्लेन वॉल्स मिलेंगी तो आप जिस मर्जी तरीके से इनको डेकोरेट करना चाहें आप उनको कर सकते हैं। ऊपर आपका फॉल सीलिंग एज इट इज रहेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके साथ भी आपका बालकनी अटैच रहेगा। आइए सो गाइज यही वो बालकनी है जहाँ से ऑलमोस्ट आप पूरा मोहाली देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा नजारा है, यहाँ से आप हवा देख सकते हैं कितनी अच्छी चल रही है, मेरे बाल बहुत अच्छे उड़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। खेत भी है यहाँ पे तो आपको बहुत ठंडी ठंडी हवा मिलने वाली है। पीछे यहाँ से आप ना प्रोजेक्ट का एग्जिट गेट देख सकते हो, बैक साइड वाला जो कनेक्ट करता है आपको निज्जर रोड के साथ, जहाँ से आपको फर्दर लांड्रा की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है कि कनेक्ट आप इजीली कर सकते हैं किसी भी प्लेस के साथ, कहीं भी आपको जाना हो। देन अगर मैं बालकनी के साइज़ की बात करूँगी, काफ़ी वाइड बालकनी आपको मिल रही है, ये आपके ड्राइंग एरिया के साथ कनेक्टेड है। देन आपके फर्स्ट बेडरूम एंड देन आपके मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है बालकनी में। कोई भी आप स्टोर वगैरह बनाना चाहें, इसको थोड़ा सा कवर करके कुछ क्रिएट करना चाहें, वैसा भी कुछ कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है आपको बालकनी में। देन अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं रेलिंग का हाइट तो काफ़ी अच्छा ही है, बट इसका जो चौड़ाई है ना वो भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेलिंग आपको यहाँ पर मिल रही है, मतलब सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है आपकी। सो गाइज ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब इसी के साथ यहाँ पे रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम। आप देखें कितना अच्छा साइज है रूम का, सेंटर में आपका बेड है, देन आपके पास साइड टेबल्स के लिए स्पेस बच जाता है। यहाँ पे मूव करने के लिए मेरे पास इनफ स्पेस है, बालकनी कनेक्टेड रहेगी जो अभी मैंने आपको दिखाई है। सामने वाली वॉल काफ़ी बड़ी है, जिस तरीके का मर्जी आप LED पैनल बनाना चाहें आप बना सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन का, बड़ा बनाना हो बड़ा बना सकते हैं, छोटा बनाना हो छोटा बना सकते हैं। बेड के पीछे की वॉल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छी पैनलिंग करवा रखी है, आप चाहेंगे तो कुछ ऐसा भी अपने रूम में क्रिएट कर सकते हैं या फिर कुछ और आइडियाज़ भी आप ले सकते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन का, एज इट इज़ आपका रहने वाला है। आप जब भी परचेज करेंगे अगर आप चाहें तो इसमें आप छोटी छोटी लाइट्स भी ऐड करवा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगने वाली हैं आपकी। एंड अगर इसके साइज़ की बात करूँ मैं रूम के, तो इसका साइज़ रहने वाला है 14x16। सो देन ये तो था हमारा रूम। अब इस साइड आ जाएगा आपका कबर्ड एरिया एंड योर वॉशरूम एरिया।
तो सबसे पहले यहाँ पे आपके कबर्ड रहेंगे, दो कबर्ड्स मिल रहे हैं आपको आपके मास्टर बेडरूम में एज इट इज रहेंगे। ऊपर भी स्पेस है, यहाँ पे भी आपको पूरा स्पेस मिल जाता है। देन इस साइड भी आपका स्पेस है, देख सकते हैं आप, काफी अच्छा लेआउट है, मतलब आपका सामान इजीली आ जाएगा। सो गाइज ये रहेगा वॉशरूम, काफी स्पेशियस वॉशरूम आ जाएगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका बेसिन रहेगा, देन यू सीट, आपका ग्लास पार्टीशन जो आप देख रहे हैं ये भी आपका एज इट इज मिलने वाला है आपको आपके मास्टर बेडरूम में। सामने आपका फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन विंडो आ जाएगा, काफी बड़ा। नीचे जो आपकी फ्लोरिंग है वो सारी आपकी एंटीसकेट रहेगी, पूरा वॉल लेंथ पे आपका टाइलिंग आ जाएगा। गीजर के लिए, एग्जॉस्ट के लिए आपको प्रोविजन प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइज ये था हमारा मास्टर बेडरूम। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा थर्ड बेडरूम, बट वो दिखाने से पहले मैं आपको कॉमन वॉशरूम दिखा देती हूँ। सो ये आ जाएगा आपका कॉमन वॉशरूम, स्पेस काफी अच्छा है वॉशरूम का। यहाँ पे आपका बेसिन रहेगा, सीट, ये आपका पूरा बाथिंग सेक्शन आ जाएगा। कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए भी आपको काफी स्पेस मिल जाएगा क्योंकि आपका वॉशरूम काफी ज्यादा स्पेशियस है। गीजर के लिए, एग्जॉस्ट के लिए प्रॉपर प्रोविजन मिल जाएगा। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए आपका विंडो प्रोवाइडेड रहेगा। फ्लोरिंग की बात करूंगी, सारी आपकी एंटीस्किच रहने वाली है एंड फुल वॉल लेंथ पे यहाँ पे आपका टाइलिंग रहेगा एंड टाइलिंग का डिजाइन भी काफी अच्छा प्रोवाइड किया गया। सो इसी के साथ यहाँ पे आपका ये डोर भी कनेक्टेड है जो आपके थर्ड बेडरूम को कनेक्ट करता है, तो वहां से आप एज अ प्राइवेट वॉशरूम भी इसको यूज कर सकते हो या फिर इसको कॉमन वॉशरूम भी यूज कर सकते हो, मतलब आपके गेस्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं इसको। सो अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा थर्ड बेडरूम। सो गाइज ये है आपका थर्ड बेडरूम, 14x14 का इसका साइज रहेगा। सेंटर में बेड देख सकते हैं, साइड टेबल्स भी हैं आपके, उसके बाद भी वहाँ पे भी स्पेस बच जाता है। यहाँ पे भी आप अपना कबर्ड ओपन कर सकते हैं इजीली, इतना स्पेस आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का स्पेस रहेगा कबर्ड्स के अंदर, देख सकते हैं ऊपर भी स्पेस दिया गया है। तो पीछे आप देखेंगे यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है इन्होंने क्योंकि ये सिंपल अपार्टमेंट है, तो आपको प्लेन वॉल मिलेगी। आप इसको अपनी मर्जी के तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। ऊपर फॉल सीलिंग आ जाएगा विद डिफरेंट डिजाइन, मतलब हर रूम में ना आपको अलग डिजाइन मिलने वाला है फॉल सीलिंग का, जिसको आप लाइटिंग लगा के और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी ये सुंदर लग रहा है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके साथ आपका वॉशरूम का डोर कनेक्टेड रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा आपका डोर, एंड इसी के साथ कनेक्टेड आपका बालकनी भी रहेगा। तो आइए चलते हैं बालकनी में। सो गाइज ये बालकनी है आपकी घर की फ्रंट बालकनी, जो आपके थर्ड बेडरूम, आपके ड्राइंग एरिया एंड आपके सेवंथ रूम के साथ कनेक्टेड रहेगी। स्पेस देख लीजिए, ये भी काफ़ी वाइड बालकनी है, टैप्स वगैरह भी प्रोवाइडेड रहेंगे, तो आप वॉशिंग वगैरह का एक्टिविटी भी यहाँ पे कर सकते हो। यूटिलिटी के पर्पज से भी ये बालकनी यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ से आप देखेंगे अगेन, आपको यहाँ से भी पूरा खरड़ दिखाई दे जाएगा, काफी हाई राइज बिल्डिंग्स आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका खरड़ वाला जो फ्लाईओवर है वो यहाँ से विजिबल है, मतलब काफी अच्छा व्यू आपका यहाँ से भी रहने वाला है। देन कमिंग टू दिस साइड, यहाँ आ जाएगा आपका सेवंथ रूम। सो ये आ जाएगा आपका सेवंथ रूम, और कुछ इस तरीके का स्पेस है जिसका डोर ये मैंने आपको बताया था आपके कॉरिडोर में ओपन हो जाता जाके, इनकेस आप यहाँ पे ऑफिस वगैरह बनाना चाहें छोटा मोटा तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। वॉशरूम कनेक्टेड रहेगा, काफी अच्छा साइज आ जाएगा वॉशरूम का भी, सर्वेंट वगैरह रखेंगे तो वो इनको यूज कर सकते हैं, अगर ऑफिस स्पेस बनाएंगे तब भी आपके जो गेस्ट वगैरह होंगे या आप यूज कर सकते हैं। गाइस एक और पॉसिबिलिटी है, अगर आप कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं तो आप ये जो आपका सर्वेंट रूम है इसको खत्म करवा के अपना किचन थोड़ा आगे कर सकते हैं एंड जो आपका फ्रंट वाला एरिया होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो अगर वैसा कुछ आप करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो टावर्स जो है वो आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पे ये चीज आपकी पॉसिबल हो सकती है, कस्टमाइजेशन आप करवा सकते हैं। सो ये थी हमारी फ्रंट वाली बालकनी। सो गाइज ये तो था हमारा फ्लैट, मैं आपको पूरा दिखा चुकी हूँ। अब हम चलते हैं नीचे एंड पूरी सोसाइटी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे फ्लैट के साथ आपको विद द परचेज एम्यूनिटीज क्या क्या मिलने वाली हैं, क्या क्या चीजें आपकी रहेंगी। तो आइए चलते हैं नीचे एंड आपको सारी चीजें बताती हूँ, आइए।
सो गाइज अब मैं आपको बाहर से सोसाइटी का टूर कराती हूँ। सैंपल फ्लैट तो आपने देख ही लिया, तो कुछ इस तरीके का आउटर एलिवेशन आपकी बिल्डिंग्स का रहने वाला है। टोटल 9 टावर्स हैं जिसमें से 7 सोल्ड आउट हैं, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, एंड इसमें 2 नए टावर्स आ रहे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनमें आपको इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी जिसमें, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कि कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है। 2 इन्वेंट्रीज रहेंगी, 3 BHK एंड 3+1 BHK। 3 BHK रहेगा आपका 1900 स्क्वायर फीट का, एंड जो आपका 3+1 BHK रहेगा, एज आई सेड कि वो 2000 स्क्वायर फीट का रहने वाला है आपका। इसके बाद अगर एमिनिटीज़ की बात करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं हर टावर के बीच में यहाँ पे छोटे छोटे पार्क्स बना रखे हैं, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है, बैठने के लिए स्पेसेस हैं, एंड इसके अलावा भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्लब हाउस मिल जाएगा। 1 एकड़ का बहुत बड़ा पार्क है, 1 एकड़ का पार्क आपका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी कुछ टाइम में बनेगा। उसके अलावा आपके क्लब हाउस के अंदर बहुत सारी एमिनिटीज़ मिल जाएंगी। सो गाइज जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का पार्क रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 पार्क रहेंगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो बड़े रहेंगे, एंड बाकी आपके जो टावर्स हैं उनके सेंटर में छोटे छोटे पार्क्स एंड किड्स प्ले एरिया बच्चों के लिए बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बच्चों के लिए काफ़ी सारी गेम्स हैं, सिटिंग के लिए स्पेसिस आ जाएंगे। एंड गाइज उससे अच्छी बात कि यहाँ पे आपका क्लब हाउस है जिसपे ग्राउंड फ्लोर पे सारा आपका कम्युनिटी हॉल रहेगा, जहाँ पे आप पार्टीज़ वगैरह, अपना कोई भी सेरेमनी है उसके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर अंदर नहीं करना आप यहाँ पे भी अरेंज कर सकते हैं, सारा यहाँ पे बाहर भी आपको ओपन स्पेस मिल जाता है। एंड फर्स्ट फ्लोर की अगर मैं बात करूँगी तो वहाँ पे आपका जिमनाजियम रहेगा, रीडिंग रूम रहेगा, आपका योगा एरिया रहेगा, मतलब डिफरेंट एमिनिटीज़ आपको प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे मिलने वाली है। एंड गाइज एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी पार्किंग रहेगी वो आपकी सारी स्टिल्ट में रहेगी, जैसे कि आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टिल्ट में आप अपने सारे व्हीकल्स पार्क कर सकते हैं, पर फ्लैट को एक स्पेस जो है वो पार्किंग के लिए अलॉट किया जाएगा। अगर आप सेकेंड लेना चाहते हैं उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे अलग से। एंड जैसे कि आप फुटेज में देख पा रहे हैं कि जैसे ग्रॉसरी शॉप, बार्बर शॉप भी आपको प्रोजेक्ट के अंदर ही प्रोवाइडेड है, तो छोटे मोटे सामान के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ये फैसिलिटी भी आपको अंदर ही प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।